₹500 का नोट भी होगा बैन, आरबीआई गवर्नर ने सब लोगों का दूर किया वहम। अगर आपके पास ₹500 का नोट है तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। आरबीआई ने ₹500 के नोट को लेकर नई घोषणा की है। इसके बारे में जानना आपके लिए वाकई जरूरी है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने कुछ अहम जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि ब्याज दरों को प्रभावित करने वाली रेपो रेट में लगातार दूसरी बार कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने ₹2000 के गुलाबी नोटों को वापस लाए जाने जैसी कुछ अन्य चीजों के बारे में भी बात की और स्पष्ट किया कि ₹500 के नोटों को चलन से बाहर किए जाने की खबरें सच नहीं है। रिजर्व बैंक के प्रभारी ने कहा कि हम ₹500 के नोट वापस नहीं लेंगे। वे चाहते हैं कि लोगों को पता चले इस बारे में कोई भी अफवाह सच नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ₹1000 के नोट वापस नहीं आएंगे। शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई ₹500 के नोट वापस नहीं लेगा या ₹1000 के नोट नहीं बनाएगा। ₹2000 के कितने नोट बैंक को वापस दिए गए हैं? आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अब तक ₹2000 के करीब आधे गुलाबी नोट वापस आ चुके हैं। सरकार ने कहा देश में ₹2000 के करीब 3.62 लाख करोड़ नोट हैं। बैंक का कहना है कि इनमें से करीब 1,80,000 करोड़ के नोट बैंकों को वापस दे दिए गए हैं। देश भर के बैंक अभी भी पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं। 19 मई 2023 को कुछ महत्वपूर्ण हुआ। आरबीआई जो सभी बैंकों की बॉस की तरह है, आरबीआई ने कहा कि वे ₹2000 के नोटों का उपयोग बंद कर देंगे क्योंकि वे साफ पैसा चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लोग अभी भी बैंकों में इन नोटों को बदल सकते हैं, इसलिए 23 मई से लोग अपने बैंकों में जा सकते हैं और अपने ₹2000 के नोटों को अन्य पैसों से बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए उनके पास 30 सितंबर 2023 तक का समय है। भारत में बैंक के बॉस ने कहा कि अगर लोग अपने ₹2000 के नोट बदलना चाहते हैं या बैंक में रखना चाहते हैं तो उन्हें चिंता करने या डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि इनमें से अधिकतर नोट एक निश्चित समय से पहले बैंकों को वापस दे दिए जाएंगे।